मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अधिकारियों को खुली धमकी दी है। कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर लूट का झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं और विधायकों को अपमानित कर झूठे मामलों में फंसाने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। गोविंद सिंह के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन सब अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई कर दंडित करने से पीछे नहीं हटेंगे जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी है, यहां अधिकारी और कर्मचारी ही सरकार चला रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से खुली चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गोविंद सिंह ने यह कहा कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी है, अधिकारी कर्मचारी सरकार चला रहे हैं, तो सरकार बनने के बाद जो अधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे विधायकों को अपमानित करेगा, उनको झूठे मुकदमे में लाकर फंसाने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्रियों विधायकों के सहारे पर, कांग्रेस उनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, नेता प्रतिपक्ष ने खुली धमकी दी है अधिकारियों को, कहा कि सरकार बनेगी तो सभी को देख लेंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से अधिकारियों को कांग्रेस की ओर से धमकी दी गई और इस बार खुद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जो कांग्रेस नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं या फिर उन्हें अपमानित करने का काम किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा है कि जब 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटेंगे, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और नेता प्रतिपक्ष ने यहां तक कह दिया है कि सरकार बनने के बाद सबका रिकॉर्ड मिल जाएगा कि किस अधिकारी ने कहां कहां गलत तरीके से कार्रवाई की है। देखिए, कल कमलनाथ ने भी पत्र लिखा था सभी पुलिस अधीक्षकों को और यह कहा था कि बीजेपी नेताओं के इशारों पर या उनके दबाव में आकर झूठे मुकदमे कांग्रेस नेताओं पर न दर्ज किया जाए। और अब नेता प्रतिपक्ष का यह बयान, और देखिए किस तरीके से खुलेआम नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जो बीजेपी के विधायक मंत्री या नेता के इशारे पर कांग्रेस नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और ये पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी देखिए जीतू पटवारी कह चुके हैं कि हम उन अधिकारियों की सूची तैयार कर रहे हैं जो बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम करते हैं। अब कांग्रेस के निशाने पर पुलिस और अधिकारी जो है वो आ चुके हैं और साफ तौर पर कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी के इशारे पर, बीजेपी नेताओं के इशारे पर, सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर काम किया जा रहा है। रखने के लिए यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, अफसर शाही के मुताबिक आपकी सरकार चल रही है। कीर्ति जी, जो अधिकारी कर्मचारियों को इशारों पर चलाए जाने की नीयत रखते हैं उनको हमेशा यही नजर और दिखता है। मुझे याद है कमलनाथ जी ने भी बीच में कहा था जब सरकार अपदस्त हो गई थी कमलनाथ जी की नेतृत्व वाली, तब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगा करके चलने वाले अधिकारियों को हम देख लेंगे। देखिए, अगर मनोज चावला के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा है, वीडियो वायरल हुए हैं, FIR दर्ज है, उनके एक साथी जो फरार थे उनको गिरफ्तार किया और खुद फरारी में, अगर वो अपराधी नहीं है तो काहे को फरार है। लूट का मामला, खाद के गोडाउन को लूटने को लेकर के, और मंदसौर जिले से मैं प्रसिद्ध करता हूँ, ये किसान आंदोलन भी ऐसा ही हुआ था कीर्ति जी, तब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी और इन्होंने आग में घी डालने का काम किया था। और अभी भी जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, अधिकारी किसी दल का नहीं होता है, वो व्यवस्था का होता है, उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन के साथ सहयोगात्मक रवैये के, ये कहां से कांग्रेस ट्रेंड है ये कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रहे हैं। अरे, अधिकारी कर्मचारी तो सरकार के निर्देशों पर चलती है। लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा है नेता प्रतिपक्ष ने कि कहते जो काम होते हैं वो अफसरशाही पर चलते हैं और फर्जी में फंसाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं, उनको की जाती है। खुलेआम सरकार का गोडाउन, सोसाइटी का गोडाउन लूटेंगे, खाद के कट्टे लूटने के लिए निर्देशित करेंगे तो वो फिर क्या कहेंगे उस बात को। देखिए, चोरी और सीना चोरी ये नहीं चलेगा और आज कांग्रेस बैकफुट पर है, इसीलिए अधिकारी और कर्मचारियों को
दबाव और धमक देने की बात कर रही है, दबाए जाने का प्रयत्न कर रही है, हमारे ऊपर कार्रवाई मत करो, हम देख लेंगे। बिल्कुल आकाश, हमारे संवाददाता आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आकाश, आप सवाल पूछेगा। यशपाल जी, कल कमलनाथ जी ने भी पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि अगर आप मनोज चावला की बात छोड़ दीजिए, अन्य जगहों से शिकायत आ रही कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्या आप जिस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? देखिए आकाश जी, कांग्रेस की सरकार जब से अपदस्त हुई है, खिसिया की बिल्ली खंभे नोच रही है और कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अपने साथियों को, अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करें कि अनुशासन में रहे, नियमों की धज्जियां ना उड़ाए, कानून अपने हाथ में ना लें, सीख तो उनको देना चाहिए। और जो डकैती कर रहे हैं, चोरी लुटेरों का काम कर रहे हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर मंड रहे। बिल्कुल, तो अफसरों को खुली धमकी देते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह नजर आए हैं। तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका यशपाल जी। आकाश, आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।